अच्छा I want to know कि मतलब what do you want to tell your audience about this song especially आपकी क्या राय होंगी एक्चुअली ये सॉन्ग मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके बहुत सारे रीमिक्स ऑलरेडी बन चुके थे तो मतलब मुझे पहले लग रहा था कि पता नहीं ये कितना यानी अच्छा आइडिया होगा कि अगेन करना क्योंकि और भी यानी लाइक 19 20 मिलियन ऑलरेडी इस सॉन्ग पे रीमेक पे गए हुए व्यूज़ तो ये लग थोड़ा सा एक मन में था कि मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बट उसके बाद फिर राम जी ने कहा कि चलो करते हैं तो हमने फिर ऐसे डिसाइड किया कि नहीं यार चलो करना चाहिए Perfect. The song is amazing, I must say. And I'm sure you will get a lot of views and a lot of likes from all the audiences as well. Let's get on with the conversation. जो आप सबको करना है with our star. Bye. एक्चुअली ये सॉन्ग हम लोग यानी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था ये सॉन्ग करना मैं जस्ट ऐसी सोशल मीडिया के लिए मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ गाने रिकॉर्ड्स करके उसमें डाला करूँगी तो मैं राम जी के स्टूडियो में बैठी थी और जस्ट मैं अपना यानी पोस्ट करने के लिए उसका एक साउंड सुन रही थी तो राम जी ने ये सुना गाना तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो रीमेक करते हैं इसका तो मैंने कहा इसमें ऑलरेडी इतना सारा लोग इतने सारे लोगों ने रीमेक किया है और इतना मतलब 19 मिलियन 20 मिलियन ऑलरेडी व्यूज़ हो चुके हैं देन ही सेड तो क्या हुआ हम बहुत अच्छा शूट करेंगे और तुम्हारी आवाज़ में मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं तो इस तरीके से यानी ये सॉन्ग बना था जैन इमाम मुझे पूरे के पूरे अच्छे लगते हैं एक्चुअली पहले तो मैंने इससे पहले वाले इंटरव्यूज़ में भी हमेशा बोला है कि पहले जब मैंने उनको देखा था सर्वगुण संपन्न सीरियल है मेरी सिस्टर देखती है तो मैंने देखा था तब से मुझे वो बहुत पसंद थे मतलब मेरे गाने गाने का थॉट जब आया था तब से वो मेरे थॉट में थे कि मुझे उनके साथ करना है और लकीली मतलब सारी चीज़ें ऐसी होती गई कि मतलब पता नहीं कहाँ से ऐसा हुआ कि लाइक जैन के साथ ही सारे वीडियोस हमारे हो गए लाइक कोई प्लानिंग नहीं थी मेरे मन की प्लानिंग थी मेरे दिल की इच्छा थी और मैंने राम जी से भी नहीं बोला था बट सडनली मतलब होता है ना कि कोई चीज़ को आप चाहते हो तो ऊपर वाला अपने आप ही दे देता है तो वैसा हुआ मेरे साथ नहीं एक्चुअली जो मेरे फादर है वो खुद बहुत अच्छा गाते हैं अभी मेरे साथ इस बार फर्स्ट टाइम वो आए हुए भी है इस इवेंट में तो मेरे फादर मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं मेरी मदर मुझे हमेशा सपोर्ट करती है मैं जो भी करना चाहती हूँ तो मुझे मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट मिला है तो मुझे मतलब उनको कन्विंस करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था बस कहना था कि पापा मुझे करना है एंड ही सेड ओके डन करो तुझे कॉन्फिडेंस है ना तू कर सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट लॉस है ये और जब मैंने सुना था तो मैं मतलब लाइक बिलीव नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी मदर मतलब जब भी कुकिंग करती थी तो वो हमेशा लता जी के सॉन्ग्स चलाती थी तो मेरा मतलब जो इंटरेस्ट और मेरा जो बोलते हैं ना लता जी को जो सुनना मैंने चालू किया लाइक बचपन से ही वो चालू किया तो मुझे ना बहुत यानी गाना गाने की जो इच्छा है ना उन्हीं के गाने सुन सुन करके आई है और वो मतलब मेरे लिए इंस्पिरेशन है और वो तो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है तो बहुत ही यानी मैं क्या फील कर रही हूँ लाइक मैं बता नहीं सकती लफ्ज़ों में नहीं नहीं ऐसी कोई स्पेशल खासियत नहीं है हमारे जो प्रोड्यूसर हैं और हमारे जो डायरेक्टर हैं उनको भी जैन इमाम बहुत पसंद है जैसे मुझे पसंद है इसीलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा आप सेलिब्रिटी हैं ट्रोलिंग एक पार्ट है मतलब बहुत ही रफ पार्ट कह सकते हैं सेलिब्रिटी लाइफ का अभी हाल ही में शाहरुख को लेकर जो निगेटिव ट्रोलिंग हुई है क्या कहना चाहेंगे कितनी दुख की बात है उन्होंने एक अच्छे अंदाज में जो भी ट्रिब्यूट दिया लेकिन लोग उसे गलत मतलब निकाले क्या कहना चाहेंगे देखिए लाइफ में अभी हर तरीके के लोग हैं कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है तो कोई अपने मन का सोचता है तो उसमें मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए अब कोई कुछ भी ट्रोलिंग करे हमको बताना हम सही हैं तो फिर उस बात का इतना मैटर
क्योंकि आप सबको मतलब दुनिया में जाके बदल नहीं सकते ना, सबकी सोच को बदल नहीं सकते. जिसको जो सोचना है आप कितना भी समझा दो वो वही सोचेगा. मतलब अभी तो फिलहाल मैं सिंगिंग में ही फोकस करना चाहूँगी, और पता नहीं ऊपर वाले ने अगर मेरे लिए उससे भी बेटर प्लान बनाया हो तो मुझे नहीं पता. थैंक यू, थैंक यू सो मच. मैं सच्ची में इतना खुश हो गई हूँ कि अपने गाने की लाइन्स ही भूल गई. क्योंकि पहले मुझे लग रहा था मैं अकेली हूँ, लेकिन आप सब लोग जब इतना सपोर्ट करें कि बिल्कुल माइक वाइक भी लेकर के आए, तो मुझे लग रहा है कि नहीं. लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर. मैं तो अधूरी, जल्दी से आ जा, रखना मुझसे तो दूरी. उलिया चूड़ियाँ वाली कार, जाना सात समंदर पार. मैं बन जाऊँ तेरी क्वीन, तू भी बन जा मेरा स्टार. लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर. मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इतना पुराना गाना है, लेकिन आजकल के ज़माने में जो गाने आते हैं लोग बैश के साथ चले जाते हैं, इन लोगों को याद नहीं रहते हैं, वो बताइए. अभी के गाने, पहले के गानों में मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग होती थी, बहुत ज़्यादा इमोशंस होते थे. लाइक जैसे अभी हम लता जी की बात कर रहे थे, उनके सारे गाने लाइक एक एक गाना याद रहता है. तो अभी शायद वो इमोशन कहीं कहीं क्या बोलना चाहिए दूर जाता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अच्छे गाने बनाऊँगी. मैम, इफ यू कैन कॉल योर फादर ओवर हियर एंड वी कैन. पापा, हेलो सर, कैसा लग रहा है आपकी बेटी तो सक्सेस है, देख रहे हैं आपके लोग सुधार रहे हैं, कितना अच्छा लगा आपको? हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे मकाम पे जाएं, और अभी नहीं, शुरू से बचपन से ही मैंने बच्चों को एक ही चीज़ बोला कि बेटा, हजारों की भीड़ में अगर किसी ने उंगली दिखा दिया कि ये फला शख्स है, तो फिर वो चीज़ है, अदरवाइज फिर कोई नहीं जानता कि आप कौन. आप सर बहुत इंकरेजिंग हो, लेकिन हर माँ बाप इतना इंकरेजिंग नहीं होता है करियर को लेकर के बच्चों को, क्या कहना चाहिए, कितना इंकरेजिंग होना चाहिए, खासकर जब बेटी पर मीडिया में. तो चाहे बेटी हो या बेटा हो, है ना, दोनों, खासतौर से सबसे बड़ी चीज़ एक बाप को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब उसकी बेटी एक उरूस पे होती है, और जब ऊपर जाती है तो उसकी फीलिंग वही जान सकता है. और बेटी के आगे बढ़ने से जो खुशी मिलती है, मेरे ख्याल से मुझे बहुत मिलती है. तो कामयाबी किस मुकाम तक देना चाहते हैं, मतलब आगे चलते फ्यूचर में कहाँ तक लेना चाहते हैं? अब रब जहाँ तक ले जाए, और मेहनत इनकी मेहनत है, है ना, जितना मेहनत करेंगी, हमारी दुआएं हैं और हर चीज़ों में आगे बढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है. और हम तो पीछे आई हैं, सपोर्ट हमारा है ही है, जिस तरीके से भी हो, जैसे भी हो, चाहेंगे बेटी आगे बढ़े. और नाम सपोर्टिव फैमिली, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे मतलब ऐसे फादर मिले, ऐसी मदर मिली, मेरे सिस्टर, ब्रदर, पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है. तो ये मेरे लिए लाइक मतलब जो भी मैं चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह पाक मुझे सब चीज़ें दे दे रहे हैं. थैंक यू. या व्हाई नॉट, आई मीन अगर कुछ कोई ऐसा गाना है जो इनको लगता है कि ये अपनी आवाज़ में गाना चाहती हैं और मुझे फीचर करवाना चाहती हैं, देन व्हाई नॉट, यू नो, आई एम श्योर कि बिकॉज ऑब्वियसली आई लव डूइंग ब्रिलियंट सॉन्ग्स, एंड जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक्चुअली वाइब अगर पसंद होती है, तो अगर मुझे इंसान की वाइब पसंद है और गाना अच्छा है, लेबल अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, सो देयर आर टू थ्री यू नो थिंग्स दैट मैटर्स टू मी फॉर डूइंग अ सॉन्ग. एंड या सो मैं ऑब्वियसली हाँ बोल देता हूँ, मैं किसी को नाराज नहीं करता, दैट्स द वे आई एम. राइट राइट. सो जस्ट टू मोर क्वेश्चंस एंड आई एम गोना पुश यू ऑफ. सो द फर्स्ट वन बीइंग, यू बोथ हैव वर्क्ड विद रामजी गुलाटी, एंड आई वुड रियली वांट टू नो इफ यू नो लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस नॉट जस्ट वर्किंग विद हर, आई एम श्योर शी इज वेरी मच फन इन द सेट्स एज वेल. शी इज, शी इज, या. सो हाउ वाज इट ओवरऑल, द ओवरऑल एक्सपीरियंस? वेल आई थिंक वी हैड अ ब्रिलियंट टाइम देयर, क्योंकि राम जी के थ्रू ही मैं इनसे मिला था, एंड
she wanted me to be featured in that song and काफी टाइम से एंड सिंस शी कुडंट कनेक्ट टू मी डायरेक्टली वो रामजी के थ्रू होते हुए आउट होते हुए हम लोग आर्मेनिया पहुंच गए एंड देन यू नो वी शॉट टू सॉन्ग्स ओवर देयर वन व्हिच वाज रिलीज्ड द अर्ली टाइम आई थिंक यू वन देयर दैट एंड और एक दूसरा ये गाना है जो दोनों बहुत अच्छे गाने हैं विजुअली बहुत अच्छे लगे लोगों को और बहुत अच्छा गाया है आयाना ने और आई एम जस्ट हियर टू अप्रिशिएट हर टैलेंट लवली सो जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन नाउ वी ऑल डोंट नो व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सेट्स इज अ फन पार्ट बट ऑफ कोर्स समथिंग यू बोथ वुड लाइक टू शेयर अबाउट ईच अदर दैट यू मस्ट हैव डन लाइक समथिंग कुछ बीटीएस दे दो हमें इस सॉन्ग का बता दो तुमने क्या किया था मुझे तो याद भी नहीं क्या बताओ बताओ मेरी एक ड्रेस थी जिसमें पूरे झालर झालर थे इन्होंने मुझे देखा और देख करके हंसना चालू कर दिया वो कलरफुल वाली जो थी उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ देन वापस मुझे ला करके दिखाया तुमने देखो नहीं नहीं वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है मजाक कर रहा था या या सो आई कीप ऑन यू नो डूइंग दिस थिंग ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हां एक्चुअली सुना था तुमने But yeah, we had great fun यार हमें वहाँ पे shoot करके and और क्या कहूँ मतलब आप मिले हुए थे देर बाद तो सब चाहते हैं कि आप सारा आज बोल दें क्या बोले आप इतने देर बाद मिले हैं ना लोगों को इतना wait करके तो सब चाह रहे हैं कि नहीं फटाफट आप जितना बोल सकते हैं सारा आज Right. But ठीक है, I think she's asked enough questions. Yeah, thank you I've so asked much. Enough questions. I'm going to leave it all to them now. Thank okay, you. So you guys can answer. अच्छा, अभी वो लोग भी पूछेंगे? Yes. मैं दोनों को, मैं किसी को कम और ज़्यादा नहीं treat करता, मैं दोनों को same treat करता हूँ. Real में मैं जैसा हूँ, वैसी मैं real में, जो मैं real में हूँ, मैं real में हूँ. So, yeah. But as an actor, when you act with a person, I mean, does real emotions get generated? आपने इतना काम किया है? Well, depend करता है कि आप किसके बारे में सोच के वो सीन कर रहे हैं अगर वो आपकी कोई माशूका होगी जिसके बारे में आप सोच के सीन कर रहे हैं तो आई थिंक यू कैन प्रॉब्ली इमेजिन हर एंड देन डू अ सीन बट मेरे साथ कुछ ऐसा है नहीं तो मैं एक्ट करता हूँ मैं इमोट करता हूँ इमोशंस जितना कर सकता हूँ और आई थिंक ऑडियंस को पसंद आता है सो दैट्स व्हाट आई लाइक बीइंग सो गुड लुकिंग समवन माइट बी हैव गॉट अट्रैक्टेड टू यू एंड समवन माइट हैव अप्रोच्ड यू और प्रपोज्ड यू आई मीन इन अ राइट मैन आज प्रपोज डे है ना शायद दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग अच्छा अरे ही इज आस्किंग ही इज प्रपोजिंग मी अरे क्या बात कर रहे हो भाई नहीं 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 ऐसा नहीं है यार आई मीन आई थिंक चलता रहता है ये सारा तो आई थिंक आप जानते हैं बट नथिंग मेजर है नथिंग कुछ ऐसा नहीं है कि कोई सामने आया और यू नो एकदम से एक अट्रैक्शन हुई यू नो नथिंग है मैम व्हाट अबाउट यू आई मीन अबाउट ज़ैन के बारे में आप क्या कहेंगे एज एन एक्टर एंड इंडिविजुअल एज एन एक्टर ये बहुत अच्छे हैं मुझे तो पहले से ही बहुत पसंद थे अगेन तुम्हारी तारीफों का सिलसिला स्टार्ट चालू हो जाएगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था हम दोनों के बीच में एक दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी तो यानी वो मुझे पसंद है लाइक एज एन एक्टर लाइक हर इंसान का एक अपना फेवरेट हीरो होता है ये मेरे फेवरेट हीरो हैं टी वी को मैं कभी भी ना बुरा कहता हूँ मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि अब टी वी छोड़ के जाऊँगा मैं हमेशा अभी जब मैं टी वी से ब्रेक पे था एक डेढ़ साल के लिए तो मैं जो दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था जैसे कि ओ टी टी मीडियम एक्सप्लोर कर रहा था एक तो मैंने वेब शोज करे तो हाँ डिफरेंट है बिकॉज एज एन एक्टर यू गेट टू एक्सपेरिमेंट विद योर आई थिंक जो आपके अंदर का एक एक्टर होता है ना उसको आप ओटीटी में ज़्यादा इंडिपेंडेंस के साथ लेके आ सकते हैं बट जो टीवी में थोड़ी बाउंडेशन होती है रिस्ट्रिक्शंस होती है थोड़ी बहुत है ना कमिटमेंट ज़्यादा से मैंने बताया मैं सुबह 7 बजे का उठा हुआ था और अभी पूरा करके अभी यहाँ पे आया हूँ पता होगा शायद हमको खैर तो या वेल हाँ थोड़ा पागल कैरेक्टर है थोड़ा बचपन या आई एम जस्ट ग्लैड कि सब लोगों को अच्छा लग रहा है तुमने देखा शो अच्छा तो या सबको अच्छा लग रहा है सो आई एम जस्ट लाइकिंग इट एंड आई थिंक आप बताइए कैसा लगा था मुझे तो इनकी एंट्री जबरदस्त लगी थी जब टीजर ही लॉन्च हुआ था तब या चांदनी के ओ भाई हेलीकॉप्टर वाला सीन ऋषि कपूर लगे थे ऋषि कपूर नीचे कौन थी श्रीदेवी नहीं श्रीदेवी की जगह रील या या सो या आई एम ग्लैड कि सब लोगों को अच्छा लग रहा है वो जो शो है या
and the chemistry between you and Reem, people are liking it. So what do you want to say about it? Well, I think it's a new, I think sab ek young cast hai Fana ki, aur since the chemistry people are liking it, so gradually I think develop hogi, and with audience ke you know appreciation hum log ka jo chemistry hogi wo creatives decide karenge kaise hame mold karna hai kya. आपको पता है मैं बिग बॉस के लिए 5 मिनट के लिए वहाँ पे था, वो भी सिर्फ सलमान भाई के लिए गया था और किसी के लिए नहीं. बट मैं इनफैक्ट देखता नहीं हूँ कभी भी, मैंने कभी सपोर्ट नहीं करा बिग बॉस को, एंड आई एम नॉट टू श्योर अबाउट बिग बॉस कौन जीता क्या जीता. आई रियली हैव नो आइडिया, नीदर डू आई केयर अबाउट दैट. आई ओनली केयर अबाउट माई सेल्फ एंड माई सॉन्ग. Yeah. Valentine's Day is coming up. Yeah. So what are your plans for us? No plans, bro. I'll be shooting mostly. I think agar aap shoot karenge to zyada better I think Valentine's ke liye. Aapka kya plan hai Valentine ka? Mera to kya plan hai aapka? Main bhi koi plan nahi, single hu main. Single log kya ho? Kya? Aap tum beech mein aa jao. Nahi, yahan aake bolo. Okay. All right. Okay. Thank you.